नमस्कार, स्नेहा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आंवले का मुरब्बा। ये मैंने आंवले ले लिए थे, 1 किलो आंवला है। इसको मैंने चाकू की सहायता से इसमें इस तरह से होल कर लिए थे और इसे मैंने 3 दिन भिगोया। पहले दिन भिगोया, 24 दिन 24 घंटे पानी में रखा, फिर पानी निकाल दिया, फिर दूसरे दिन दूसरा पानी रखा, 24 घंटे उसको निकाल दिया। आज ये तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी हमने इसको इस तरह पानी में भीगा हुआ है। इसको हम पानी से निकाल देंगे, इस तरह इसको निचोड़ते हुए पानी से निकाल देंगे। इस प्रकार से आंवलों को हमने पानी में से निकाल लिया। अब हम एक भगोने में या कुकर में इस तरह पानी उबाल लेंगे। ये पानी गर्म है, हम इसमें इसको आंवलों को डाल देंगे। ये तीसरे दिन का प्रोसेस है। अब ध्यान देना है कि इसको सीटी नहीं लगानी है, इसको थोड़ी देर हम ढक देंगे ताकि एक उबाल आ जाए, ब्लांच हो जाए ये। देखिए आंवले में उबाल आ गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन में आंवला निकालने के बाद, 1 किलो आंवला हमारे पास है तो हम आधे किलो से थोड़ा ज्यादा शक्कर, ये मेरे पास 1 किलो शक्कर है, इसको मैंने आधे किलो से थोड़ा ज्यादा लेनी है शक्कर ले लेंगे। अब इसकी हम चाशनी बनाएंगे पानी डाल के। शक्कर बस डूब जानी चाहिए, उतना पानी डालना है और आंवला भी अपना पानी छोड़ेगा। शक्कर घुल गई है अच्छे से और करीब एक तार की चाशनी बन गई है। इसमें देखिए इस तरह से एक तार बन रहा है। अब हम इसमें ये जो ब्लांच किए हुए आंवले हैं उनको डाल देंगे। इस तरह से हम सारे आंवले इसमें डाल देंगे। इस तरह सारे आंवले हमने इसमें डाल दिए हैं, एक बार थोड़ा चला के और इसको ढक देंगे ताकि आंवला फिर अपना पानी छोड़ेगा और फिर ये चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी होगी। ये प्रोसेस हम करेंगे। देखिए अच्छे से उबल रहा है, हम इसको तब तक उबालेंगे जब तक कि शक्कर थोड़ी और गाढ़ी नहीं हो जाती। अभी देखिए काफी पतला है ना, तो थोड़ा ये इसमें अंदर भर नहीं जाती रस, इसमें आंवले में जो बॉईल किए थे इसमें उसके थ्रू ये रस भर जाएगा अंदर में। करीब करीब आधा पौन घंटा और लगेगा इसमें बनाने के लिए। मुरब्बा देखिए एकदम इस तरह हो गया है आंवला और इसका काफी सॉफ्ट हो गया है। बस अब उसकी थोड़ी जो चाशनी है उसको गाढ़ा कर लेंगे, उसके बाद आपका आंवले का मुरब्बा रेडी हो जाएगा। आंवले का मुरब्बा रेडी हो गया है, अब हम इसका स्विच ऑफ कर देंगे। अब आप इसे चाहें तो बॉटल में भर के रख सकते हैं, ये साल भर चल जाता है आराम से। थोड़े दिन साल के अंत में इसका रंग थोड़ा डार्क जरूर हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं रहता है कि वो खराब हो गया है। आंवला है तो थोड़ा बहुत काला होगा ही। देखिए आंवले का मुरब्बा एकदम रेडी है। आंवले का मुरब्बा पूरी तरह देखिए तैयार हो गया है, उसमें एक ग्लॉसी लुक भी आ गया है और उसका चाशनी भी गाढ़ा हो गया है। तो आपको हमारी आंवला बनाने की रेसिपी कैसे लगी कृपया कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आप भी बनाइए, खाइए और बताइए आपका कैसा बना। धन्यवाद।